जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेजर मेंटेन करना। लेजर से हमें पूरे महीने में जो अलग अलग हेड के द्वारा जो हम खर्च करते हैं या राशि प्राप्त होती है उसका टोटल हमें एक साथ लेजर से प्राप्त हो जाता है, जिससे कि हमें प्रत्येक माह की उपयोगिता बनाने में आसानी होती है। तो चलिए इसे संधारण करके देखते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी मद में जानना है कि हमने पूरे माह में कितना खर्च किया है, तो हम कैश बुक में जिस डेट को हमने इलेक्ट्रिसिटी आइटम को बुक किया है उसे लेजर बुक के इलेक्ट्रिसिटी हेड वाले पृष्ठ पर दर्शाएं। जैसे हमारा लेजर बुक में इलेक्ट्रिसिटी हेड पृष्ठ संख्या 5 पर अंकित है, तो हम पृष्ठ संख्या 5 पर जाते हैं। हमें दिसंबर माह में इलेक्ट्रिसिटी मद में जितनी खर्च हुई है उसका टोटल हमें जानना है, तो जिस डेट में कैश बुक में हमने इलेक्ट्रिसिटी आइटम मेंटेन किया है उसे देखते हैं। तो पहला डेट हम यहाँ देख रहे हैं कि 4/12/2022 को हमने इलेक्ट्रिसिटी आइटम की खरीदारी की है। उसका भुगतान हमने PFMS के माध्यम से किया है, यानी कि बैंक के द्वारा भुगतान किया गया है। तो हम लेजर में डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे, फिर पार्टिकुलर वाले कॉलम में जिस माध्यम से हमने भुगतान किया है, हमने बैंक के माध्यम से भुगतान किया है तो टू बैंक लिखेंगे। साथ ही जिस वाउचर में हमने बिल को अटैच किया है उस वाउचर का सीरियल नंबर को हम पार्टिकुलर के ही कॉलम में दर्शाएंगे। अगर हम पार्टी को कैश में भुगतान करते तो पार्टिकुलर वाले कॉलम में टू कैश लिखते। फिर आगे कैश बुक फोलियो वाले कॉलम में कैश बुक के जिस पृष्ठ पर ये आइटम अंकित है उसको पृष्ठ संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 46 पृष्ठ संख्या पर इलेक्ट्रिसिटी आइटम अंकित है तो 46 हम कैश बुक फोलियो के कॉलम में लिख देते हैं। फिर जितना अमाउंट हमने खर्च किया है उस अमाउंट को हम डेबिट वाले कॉलम में दर्शाते हैं। वैसे ही आगे कैश बुक में देखते जाते हैं कि किस डेट में इलेक्ट्रिसिटी हेड को हमने बुक किया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस माह में एक ही डेट में खर्च है, तो हम यहाँ माह को क्लोज कर देते हैं। फिर पिछले माह में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी में खर्च आई थी उसे हम इस माह के खर्च के साथ ऐड करके बैलेंस वाले कॉलम में दिखाएंगे। इससे हमें इस माह तक हुए इलेक्ट्रिसिटी हेड की जानकारी लेजर के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही अलग अलग हेड का हम लेजर मेंटेन करते चले जाएंगे। धन्यवाद।